नरेंद्र मोदी पर अन्ना हजारे के सुर बदल गए हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सांप्रदायिक है और मोदी चुनाव में उसकी अगुवाई करने वाले हैं तो उन्हें अलग कैसे माना जा सकता है। एक चीज बताइए, आपने जिस तरीके से पहले बोला गया कि आपने नरेंद्र मोदी को कम्युनल कहा, आज आप कह रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहाँ कहा? पुणे में जिस तरीके से आपने जो बयान दिया, कहा गया कि आपने ये गलत है, आप स्टडी करना चाहिए। ये इंदौर में परसों प्रेस हुई थी तो प्रेस वाले बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा था कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक है या नहीं। तो मैं उनको कहा कि मेरे हाथ में अभी प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं इस बात को कहना ठीक नहीं है ना, लेकिन ये मैं प्रमाण पत्र नहीं दे रहा किसी को। इन्होंने क्या लिखा उसमें, अन्ना ने कहा, प्रेस वाले ने क्या कहा, अन्ना ने कहा नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक नहीं, ये झूठा लिखा। तो मानते हैं वो सांप्रदायिक है? सांप्रदायिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो अभी मान लो कि बीजेपी सांप्रदायिकता के साथ जुड़ी है और बीजेपी का तो प्रमुख बना है अभी नरेंद्र मोदी, तो इनडायरेक्ट लिंक आ जाते। तो मतलब मोदी सांप्रदायिक, डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट लिंक आ गए ना, उनके बीजेपी के प्रमुख बनाया ना उनको। अच्छा ये बताइए अन्ना, फूड सिक्योरिटी पर सरकार ने बिल संसद के पटल पे रखने की बजाय एक ऑर्डिनेंस लाई है, अध्यादेश लाई है, आपको लगता है अध्यादेश की बजाय सरकार को उसके पटल पे रखना चाहिए था? कहीं ऐसा हो गया कि अध्यादेश निकाल कर ऐसे पड़े है, आगे कुछ होता नहीं अध्यादेश से। अध्यादेश सही मार्ग नहीं है, अध्यादेश बहुत इमरजेंसी है और अभी आगे आने वाला अधिवेशन है, बीच में समय नहीं है, तो अध्यादेश निकल सकते हैं।